अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजे और कुरान है ये सब रूहे ईमान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ये मैंने बेसन लिया, इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड किया। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स करूँगी। ये बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं, आप भी ट्राई करिएगा। पालक के पकौड़े हैं। ये हमारा मिक्स हो चुका है, आप देखिए कितना अच्छा मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें मसाला ऐड किया, अभी हमने इसमें पकोड़ा मसाला ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुका है। ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक कटी हुई। अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे, वो भी बिल्कुल बारीक कटी हुई हो। अब हम इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे, उससे बहुत खुशबू अच्छा आता है। अब हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हमें इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सही हो जाए। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हमने ये ऑयल गरम किया है, ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके सारे फ्राई कर देंगे। एहसान रोजे नमाजे और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। माशाल्लाह से ये हमारे बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए हमारे अभी ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। तारी के बाद गए थे हम अपनी खाला के घर। रोज़े में तो निकलना नहीं होता, लेकिन रोज़े के बाद हम गए थे, हमें बहुत मज़ा आया और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। तीनों साथ में होते हैं ना तो बहुत लड़ भी लेते हैं, प्यार भी करते हैं, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। अगर अब हमें इजाज़त दें, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।